आज हमारा पुरअमन एहतजाज है और आज एक पख्तून की हैसियत से और पाकिस्तान के इस शहरी की हैसियत से मैं आज ये वाजे कर देना चाहता हूं कि असद खान की बाजियाबी के लिए हमारा मुतालबा आज हुकूमत से नहीं है। हुकूमत से इसलिए नहीं है कि एक तो कुछ चीजें हुकूमत के इख्तियार में नहीं है और दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है और इस्लामाबाद में बैठा जो सेलेक्टेड वजीर आजम है उससे तो मैं मुतालबा इसलिए नहीं करता कि जब यहां पर हजारों बिरादरी के हमारे भाइयों को शहीद किया गया और वो तदफीन नहीं कर रहे थे, उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि हुकूमत और इस बराए नाम हुकूमत का बराए नाम वजीर आजम आकर हमारे दुख और दर्द में शामिल होकर और कुछ नहीं कर सकता तो हमें तसल्ली ही दे दे। अफसोस की बात कि जिस शख्स से वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो आकर उनके दुख और दर्द में शामिल होगा और उनको तसल्ली देगा और वो तकसीम नहीं कर रहे थे, उस शख्स ने इस्लामाबाद में बैठकर उनको क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं है, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक मां जिसके सामने उसका शहीद बेटा, एक बाप जिसके सामने उसका एक शहीद बेटा पड़ा हुआ है, एक बहन जिसका शहीद भाई उसकी तदफीन नहीं हो रही, वो किसी को क्या बेचारे ब्लैकमेल करेंगे? कोई एहसास नहीं है इनको, इनके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। लिहाजा जिनको एहसास नहीं है, जो आवाम के वोट से मुंतखब होके नहीं आए, जिनके दिलों में दर्द नहीं है, जिनों में इंसानियत नहीं है, हम उनसे मुतालबा नहीं करते। मेरा मुतालबा हुकूमत से नहीं है, असद खान को खैर खैरियत से अपने घर पहुंचना चाहिए, ये मुतालबा मेरा रियासत से है, ये हुकूमत से नहीं है। ये मुतालबा मेरा रियासत से है और रियासत से मेरा ये भी मुतालबा है कि देख ले आज क्या हो रहा है। दहशतगर्दी की एक नई लहर, कभी बलूचिस्तान, कभी पेशावर, कभी वजीरिस्तान, कभी बाजौर, एक नई लहर, फिर से वही खतरात, फिर से लोगों को उठाना, फिर से वही पुराने वाली सूरत हाल। एक दफा हम गलती कर चुके हैं, आया दूसरी गलती की गुंजाइश है? 40 साल पहले बादशाह खान और वली खान की बात ना मानकर एक पराई जंग में कूद कर एक गलती हम कर चुके हैं, आया दूसरी गलती के लिए कोई गुंजाइश है? मैं रियासत से यह कहना चाहता हूं,
हुकूमत बेहिस है, हुकूमत लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हुकूमत नालायक है, हुकूमत नाकाम है। इसलिए मेरा रियासत से ये मुतालबा है कि देख ले आज इस खित्ते को, ऐसा ना हो कि फिर वो खेल खेला जाए, ऐसा ना हो कि फिर से हमें इस तबाही का सामना करना पड़े। और मुझसे ज्यादा कौन वाकिफ है, 5 साल पुख्तनख्वा के वजीर आला की हैसियत से मैंने वो सब कुछ देखा है, और सिर्फ देखा नहीं उसका मुकाबला भी किया है। मेरे बच्चों को स्कूल से रोका गया, मेरी बेटियों पे स्कूल के दरवाजे बंद किए गए, मेरे आने से पहले चौकों और चौराहों पे लोगों को ज़िबा किया जा रहा था। जब हम बादशाह खान का पैगाम लेकर आए और जब पख्तूनों की अपनी हुकूमत आई तो हम ऐसे बेहिस और बेइख्तियार नहीं थे। जिन बच्चों को वो स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, उन बच्चों के लिए मैंने सिर्फ स्कूलों की नहीं बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोले हमने उनके लिए। एक तरफ हमें मारा जा रहा था और दूसरी तरफ हम अपनी शनाख्त हासिल कर रहे थे अपने सूबे के लिए। एक तरफ हम पे हमले किए जा रहे थे, दूसरी तरफ हम एनएफसी अवार्ड में हम अपना हिस्सा लेकर आ रहे थे। एक तरफ हम शोहदा के जनाजे उठा रहे थे, दूसरी तरफ हम 18वीं तर्मीम असेंबली से पास करा रहे थे। तो आज भी मैं उनको कहता हूं जिनका ये ख्याल है कि ये करके वो हमें मैदान से बाहर कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। 2008 से लेकर 13 तक आपने कोशिश की, आप नाकाम रहे। 2013 के इंतखाबात में आपने कोशिश की, आप नाकाम रहे। 2018 में आपने इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन कराया, आप नाकाम रहे। आज आप फिर कोशिश कर रहे हैं, तो सुन ले, जो भी करना है कर ले, जो भी करना है कर ले। लास्ट को लाओ, लास्ट आजाद, दबाचा खान मरगरी, दबाचा खान मरगरी, मैदान नपरी दी, नबाचा खान मैदान प्रेखियो, नवली खान मैदान प्रेखियो, नासफनगार खान मैदान प्रीदी, और न पुख्तान मैदान प्रीदी, पुख्तान पर मैदान के वलाड़ दी लखेरा। दक्का जमानन खबर हुआ दास सियासी जलसा ने रचे तफसीली तकरीर हुकम जमा बद बलोचिस्तान द पाटे और द बलोचिस्तान द खपल रून सरा मुसलसल राबितवी او او تر سو پوری چه زمانا رور پا خیر خیریت پل کورتن دراغلی ترغی پوری بزمونگ دا جدو جهد انشاءاللہ جاری ہوئی